शिक्षक साथियों, मैं एसआरजी सोनिया मल्होत्रा, मेरा आप सबको नमस्कार। आज मैं आपके सामने रीडिंग स्किल पर अपने विचार रखूंगी, जो कि आपको बच्चे को सिखाने के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगी। रीडिंग स्किल में बच्चे को महारत हासिल कराने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चा हमारे इन लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त कर ले। कैन रीड वर्ड्स, वो शब्दों को पढ़ सके। कैन रीड सिंपल सेंटेंसेस, छोटे छोटे वाक्यों को लिख सके। कैन अंडरस्टैंड सेंटेंसेस, वाक्यों को समझ सके। कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स में अंतर समझ सके। इसके इन आउटकम्स को प्राप्त करने के लिए स्किल पर हमें क्या क्या कार्य करना है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। लिसनिंग स्किल एंड स्पीकिंग स्किल्स, बोथ स्किल्स आर वर्क विद साउंड्स। दोनों स्किल्स हमारी साउंड्स पर वर्क करती हैं। रीडिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल्स, दी सेकेंडरी स्किल्स वर्क विद लेटर्स, ये लेटर्स के साथ काम करती हैं। इन स्किल्स में कार्य करने के लिए जब बच्चे को हम लिसनिंग और स्पीकिंग पर काम कर रहे होते हैं, उस पर ए टू जेड अल्फाबेट्स पे काम करने के लिए हमें साउंड्स पर वर्क करना होता है, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस पर कार्य करना होता है, ताकि बच्चे को ये काम समझ में आ सके कि ए की साउंड क्या होती है, ई की साउंड क्या होती है, आई की साउंड क्या होती है, ओ की साउंड क्या होती है और यू की साउंड क्या होती है। There are 5 vowels and 21 consonants. तो 5 vowels पर A, E, I, O, U, 5 vowels are there. इन पांचों vowels की sound पर मैं आपको focus कराना चाहूंगी कि इनकी ध्वनि अलग अलग होती है। जैसे कि A, A, R, A, 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 E, 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 I, I, की साउंड E, I, I, A, O, A, A, O, U, यू की ध्वनि अ, यू, ऊ। तो इस प्रकार से ए, ई, आई, ओ, यू, इन पांच वॉवल्स पर जब बच्चे को हम क्लास एक से ही इन फोनोलॉजी पर काम करते हैं, इन साउंड्स के साथ, स्वरों की साउंड्स के साथ बच्चे पर फोकस करते हैं, तो बच्चा भली भांति जान जाता है कि इन वॉवल्स की साउंड्स ऐसी आती है। उसके लिए मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगी। ए, ए को आप देखिए, ए, यहां पर ए की डिफरेंट साउंड्स, जब 44 साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं, तो ए की ध्वनि एप्पल में ए, अबाउट ए में अ, कार ए में आ, विलेज ए, मैनी आई, ई पर ईयर ई, की ई, अलेवन आई, आई आइसक्रीम, पिन ई, थर्ड अ, अंपायर आयर आई। इसी प्रकार से ओ,
की ध्वनि, अम्ब्रेला में अ, फ्रूट उ, अंकल अ। इस प्रकार से ये पांचों स्वरों की ध्वनियां हर शब्द में अलग अलग प्रकार से आ रही हैं। ये अलग अलग ध्वनियां 44 प्रकार की साउंड्स की उत्पत्ति करती हैं, जिससे इनका उच्चारण भिन्न भिन्न होता है। इस उच्चारण को बच्चे को समझाने, जब हम अच्छे से समझा देते हैं, तभी बच्चा हमारा रीडिंग स्किल में परफेक्ट हो पाता है। जब तक उसको इन साउंड्स पर ध्यान नहीं हम देते, तो बच्चे के लिए किताब पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। जब हम बच्चे को इन साउंड्स पर वर्क 1 महीना 2 महीना जब तक वो इसमें परफेक्ट नहीं हो जाता, उसके साथ काम करते रहते हैं, तो उसके पश्चात हम बच्चे को CVC मेथड पर लेकर आते हैं। ये CVC मेथड क्या है? C फॉर कॉन्सोनेंट, V फॉर वॉवल एंड C फॉर कॉन्सोनेंट अगेन। दिस इज अ CVC मेथड। अब CVC मेथड में जब बच्चा इन वॉवल्स के साउंड से वाकिफ हो गया है, तो हम बच्चे को लिखने के पैटर्न पर लेकर आते हैं। जैसे ए की ध्वनि में ए टी एक्ट वर्ड्स में हमने कॉन्सोनेंट बी जोड़ा, तो ब एक्ट बैट। देन अगेन वी आर चेंजिंग कॉन्सोनेंट सी सी, देन ए इज वॉवल एंड टी इज अगेन कॉन्सोनेंट। तो बच्चा हमारा बिना बताए, बिना हमारी हेल्प के उसे पढ़ सकता है क एक्ट कैट। इसी प्रकार ई में प ए न पेन, ड ए न डेन, एंड आई में प ई न पिन, स ई न सिन, ओ में प ओ ट पॉट, क ओ ट कॉट, यू में ब अ न बन, ग अ न गन। आगे के शब्दों को हम बच्चे को स्वयं करने के लिए कहेंगे कि बच्चा रीडिंग स्किल को सीख पा रहा है या नहीं सीख पा रहा है। इस प्रकार से अगर हमारे शिक्षक साथी बच्चों को फोनोलॉजी पे काम करवाते हुए CVC मेथड पर लेकर आते हैं, तो बच्चे के लिए छोटी छोटी स्पेलिंग्स को बनाना, उन्हें पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। मुख्यतः हम देखते हैं कि बच्चे जब किताब पढ़ते हैं, तो अगर उनको फादर पढ़ना है, तो बच्चा नहीं जानता फ की ध्वनि क्या है, ए की ध्वनि क्या है, टी एच मिलकर के द की उत्पत्ति होगी ध्वनि में, तो बच्चा वहाँ पे अटक कर रह जाता है कि इसको कैसे हम पढ़ें। जब हम कॉन्सोनेंट साउंड्स, वॉवल साउंड्स डिफरेंट करके बच्चे को बताएंगे और उस पर बच्चे के साथ वर्क करेंगे, तो बच्चा हमारा 2-3 महीने के प्रयास के उपरांत रीडिंग स्किल भी परफेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से छोटी छोटी सेंटेंसेस को वो पढ़ सकता है, समझ सकता है, अगर हमने इन साउंड्स पर काम किया है। जैसे कि दिस इज अ रैट, दिस इज अ रैट। अब बच्चे ने CVC मेथड पे इसको पढ़ा है, तो उसके लिए द इ स दिस इ ज इज अ र एट रैट, दिस इज अ रैट, देन रैट
इज फैक्ट। विदाउट टीचर की हेल्प के बच्चा इसको आसानी से पढ़ सकता है। र ए ट रैट इ ज इज फ आ ट फैट रैट इज फैट। बच्चे को इस प्रकार से हम रीडिंग स्किल में परफेक्ट कर सकते हैं। आपको लिसनिंग स्किल स्पीकिंग स्किल में बच्चे के साथ क्लास एक और दो में काम करना है। देन रीडिंग और राइटिंग स्किल पर हम क्लास थर्ड से बच्चे को काम करवाना शुरू करें, जिससे बच्चे इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकें। धन्यवाद।